पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टॉमी का दिल था अकेला। उसने खेल ऐसा खेला कि डियास के कहने पर वो चोरों का पता लगाता है और फिर लांस के साथ मिलके धूम मचाले करते हुए सीधा उनकी जाय वकुआ पर पहुंच के उनका काम तमाम भी कर देता है। डियास टॉमी का काम देख के बहुत खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ एवरी फिर से आ जाता है और वो टॉमी को कहता है कि क्यूबन और हेशियन गैंग में फड्डा करा दे, तुझे बैरिया टाउन में एक प्लॉट लेके दूंगा। टॉमी एवरी का काम भी करता है और फिर कॉर्टेज उसे टैंक चुराने का कहता है और टॉमी वो भी कर लेता है। बट टॉमी है कि आमिर भाई है। खैर, आमिर भाई से याद आया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आमिर भाई के स्टाइल में ये गेम खेलूं तो सब्सक्राइब एंड मेक इट टू 250K चैनल। खैर, अब आगे देखिए। अब इधर टॉमी ने जो है वो हेशियन गैंग के अंदर भी अपना नाम पैदा कर लिया, ठीक है। अब पुल के उस पार भी जो है टॉमी को लोग जानते हैं। अब ये जा रहा है डियास के पास। अरे अरे अरे, क्यों आया भाई? टॉमी इसीलिए कर रहा है भाई ताकि जो है ना कल को जब ये बड़ा डॉन बन जाएगा तो उसको फिर किसी को इंट्रो कराने की जरूरत नहीं होगी। सब जानते हैं कि भाई टॉमी तो बाजीगर भी है, दबंग भी है। हर जगह, हर शहर में पुल के इस पार उस पार सब जगह अपनी धाक बिठा रहा है। आप देख सकते हैं मैप के अंदर एक मुख्तलिफ चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। हर कोई बुला रहा है टॉमी को, भाई आओ ना यार, अभी आओ ना खुशबू लगा के, हमारे पास भी आओ, हमारे भी काम है कुछ। ओए 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 ओए, खंबा गिर रहा है, कुछ हो रहा है, लड़की आराम से चले आ रही है ना, मसला ही नहीं, उसको टेंशन नहीं, क्या हो रहा है। ये भाई सप्लाई एंड डिमांड। अब यहाँ पर जो है ना डियाज, आप देखें ये जो है ना क्या कर रहा है, ये चिल्ला रहा है VCR पर कि ना अबे चल क्यों नहीं रहा, तू उसको मार रहा है, अजीब। तो पीछे से टॉमी आता है, देखता है, बोलता है भाई अंकल पहले केबल तो लगा, उसकी केबल निकली भी है, बोल रहा चल ही नहीं रहा, उसको गोली मार के ख़राब कर दी। अभी तो डियाज यहाँ पर ये बोल रहा है टॉमी को, भाई वो जो मेरी बोट है ना, वहाँ जो रखी हुई, वो अंडे देने के लिए रखी हुई, काम के लिए रखी हुई, तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ मैं, तुम जाओ और मेरा एक कार्गो आने वाला है वो लेकर, और वो उसी को ही देता है जो सबसे पहले उसके पास पहुँचता है, तुम सबसे पहले पहुँचना और लोग भी जा रहे होंगे। तो अब टॉमी जो है यहाँ पर ये बोट चला कर जाएगा। अब सीन ये है कि जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर एक और लौंडा भी होगा, लांस कलवा हर जगह पहुँच जाता है, क्योंकि देखो उसका ही मकसद है ना। टॉमी का मकसद क्या है, वो जो सबसे शुरू में डील हुई थी उसमें जो उसके पैसे गए थे वो उसको पैसे वापस चाहिए। लांस का उस डील में भाई मर गया था, तो ये दोनों इस मकसद से साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी दोस्ती यारी भी हो गई। खैर, अब आगे चलते हैं और हमें सबसे पहले उसके पास पहुंचना है। जो फास्टेस्ट बोट चुराई थी ना टॉमी ने, ये देख रहे हैं आप, ये डियाज जो है ना इसका बड़ा गेम है। अच्छा, ये हमें मार भी रहे हैं और लांस जो है खड़ा हुआ देख रहा है, उनके मुंह तक रहा है। अरे नहीं, नहीं मार रहा है यार, गैरत जागी है लांस। आगे ख़तरनाक मोड़ है, ये हम यॉट पे पहुंच गए और ये हम उसी को टोक दिया। लो भाई हमने उठा लिया, पीछे बंदा आ रहे हैं, उनको फारिग करना है हमें। वाह बर्बाद, ये भी फारिग कर दी हमने, ये पहुंच गए। अरे मिनटों का काम है टॉमी के लिए यार, मसला नहीं है। यहाँ पर ये मिशन हो गया क्लियर। वो जो पुल के उस पार हमें लौंडे बुला रहे हैं ना, हमसे काम करवाना चाह रहा है। यहाँ से उठाएंगे हम गाड़ी, क्यूबन गैंग के बंदे ने बुलाया है। याद होगा आपको लास्ट टाइम फोन आया था एक, वो पूछ रहे थे लियो को, और लियो को तो हमने मार दिया था जाकर। तो अब क्यूबन गैंग का जो लीडर है वो हमें बुला रहा है कि भाई तुम हो कौन। अच्छा, यहाँ के लोग जो है ना बड़े खतरनाक है भाई, यहाँ की वो आम पब्लिक नहीं है। यहाँ से अगर आप किसी से गाड़ी छीनोगे ना तो उनके पास गन होती है, ऐसा आपको करते है ना कि मजा आया। फोन भी आ गया, लैंस का फोन आया, बिला वजह फोन करता है ना, काम कर रहा है। टॉमी यही बोल रहा है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं बीच में फोन कर रहा हूँ, क्या मसला तुम्हारा। अच्छा, अब लैंस जो है ना वो डियाज के मिशन तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना वो इमोशनली वो हो रहा है कि यार मुझे अपने भाई का बदला लेना है, तो वो कुछ ना कुछ भंड मारेगा। कैफे है, कैफे के पास स्टंट बोर्ड चैलेंज। ये भाई, ये बंदा जो है ये बोलेगा अच्छा तुम हो टॉमी, बोले हाँ भाई बड़ी बातें सुनी है तुमने, लियो को मार दिया, ये किया वो किया, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना पावर है। मैं ऐसे ही जो है ना तुम्हें अप्रूव नहीं करूँगा, तुम्हें मेरे लिए जो है काम करना पड़ेगा। काम तो नहीं है बल्कि तुम्हारा टेस्ट है। वो टेस्ट ये है कि मैं तुम्हें वोट देता हूँ, जाओ एक मिनट के अंदर वो रिंग्स हैं कुछ उसमें से क्लियर करके आओ, फिर देखते हैं कि तुम कितने पानी में। टॉमी बोलता है ठीक है भाई, क्योंकि अभी जो है ना टॉमी को सिर्फ हाँ हाँ करनी है, ना करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी सेटिंग बिठानी है ना भाई। अर्धा बराम देख रहे हैं आप टॉमी वर्सिटी, लेकिन टाइम बहुत कम रहेगी और हमारे पर 19 चेक पॉइंट्स रह गए और टाइम रह गया 1.5 मिनट। ये तारीफ कर रहा भाई, हाँ आई लाइक यू के बच्चे, टाइम नहीं है 16 सेकेंड। ओ नहीं यार, ना करो
लास्ट का है, 5 4 3 2 एक सेकंड का गैप आया, मिशन हो गया क्लियर। अब ये जाएगा वापस उसके पास, मैंने कहा नहीं यार ये टॉमी तो बंदा है, उसके पास चलते हैं हम बड़ी बड़ी मूंछ वाले अंकल के पास। कोई गाड़ी तो दे दो, फोन आ गया, कैन रोजनबर्ग का फोन आया भाई, वो कह रहा है मेलबो क्लब में मैं अपने जहाँ पर अपने फराइज अंजाम देता हूँ ना मैं, वहाँ पर वहाँ आ जाओ। तो अब देख रहे हैं आप मैप में के भी लिखा हुआ आ रहा है, क्या सीन है, क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है भाई मैं फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट बात है, आप मेरे पास क्लब में तशरीफ़ लेकर आइए। बोलो बोलो भैया, मैंने बोला था ना कि ये जो लांस जो है ना ये कुछ जज्बात में आके कुछ करेगा, तो जो डियाज के गुंडे हैं ना वो लांस को लेके चलेगा, पकड़ के बांध दिया और कुत्ते ही तरह मारा है। वहीं बोल रहा मुझे तो बचाना है, दोस्ती यारी भी थोड़ी हो गई है ना, लांस की हेल्थ भी कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ओ हो हो, लांस तेरा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, बर्बादी भाई। वाह आओ आओ आओ, ये भी गया, आओ आओ आओ, वो भी गया, अबे सामने ही खड़ा हुआ, उसको तो मार ही नहीं रहा। लैंस डियाज को मारने का प्लान बना रहे हैं दादा, तेरा भाई तुझे लेके जाएगा, कोई भी रास्ते में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास है टैंक, समझ ला। ये बंदे आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए, दिमाग का इस्तेमाल किया है मैंने। अब यहाँ से अगर मैं लांस को अपनी गाड़ी में लेके जाता तो क्या वो मेरी बजाते। अब लांस और टॉमी मिलकर जो है डियाज को मारने का प्लान बनाएंगे, आप देख रहे हैं किस तरह से ये अंदर आया, साथ रहा, उसका भरोसा जीता, अब उसको मार के बन जाएगा वो वाइस सिटी का किंग। मतलब तुम आराम करो, तबीयत सेट करो, मैं तुम्हें फिर मिलता हूँ। डियाज बुला रहे हैं, ये टॉमी देखता है जब गाड़ी वाड़ी चला रहा था ना, देखता है कि दादा ये शहर पर भी अपने भरम वरम रखने हैं हमें टाइट, तो यहाँ के लोगों के भी काम करता है वो, समझ लो ये है टॉमी का वार पुल के उस पार। लो भाई कॉर्टेज का फोन आ गया, कॉर्टेज भी बुला रहा है कि भाई आओ, कुछ फ्रेंच बंदे हमें तंग कर रहे हैं, ज़रा हेल्प करो यार। लॉकडाउन में लोगों के पास से काम छिन गए और यहाँ पर जो है टॉमी तवा धब काम उठा रहा है, पैसे लूट रहा है। अरे बाहर ही बुला लिया इसने, क्या सीन है, क्या सीन है। अच्छा समझ रहे हैं आप भाई, लांस ने एक टॉमी को बुलाया घर के बाहर डियाज के, कि भाई ये लो गन वन लो। अब यहाँ पर डियाज ने जो है वो देख लिया कि भाई ये गन वन लेकर आ रहे हैं, मुझे वार नहीं आ रहे हैं, हल्का तो है नहीं डियाज, अब हमें जाना है और उसको मारना है। तू क्या कर रहा, खड़ा हुआ मारना किसी को लांस, दरवाजा बंद है, कोई और जगह ढूंढना। अच्छा अच्छा यहाँ से जाना है, देख रहे हैं अब डियाज को मारने आ रहा है टॉमी, जिसके लिए वो काम किया करता था। इधर जाने का है, किधर जाने का है, डियाज मेंशन। ओए ओए दादा शिट, गोली आ रही चारों तरफ से, मैं ही मार रहा हूँ बस लांस, तू क्या कर रहा है यार, आजा आजा टॉमी सबको मारेगा, छोड़ेगा नहीं, चल चल चल। वो आ गया भाई डियाज आ गया, देखा भाई अब ये सीन है डियाज, वो बोल रहा है कि भाई मैं तेरा बिजनेस टेक ओवर करने आ गया हूँ, बोल रहा है तूने मुझे धोखा दिया, ये मार दिया, मर गया बस इतना था। अब यानी कि जो वाइस सिटी का सबसे बड़ा डॉन था ना, उसको जो है टॉमी ने मार गिराया है, तो अब इसकी जब खबर फैलेगी पूरे वाइस सिटी में, सब बोलेंगे वाह टॉमी सर आप हमारे सरदार, देख रहे हैं हम यहाँ सारी भरमबाजी करा रहे हैं, हाँ भाई बहुत भरमबाजी है, तो मेरे पैसे कहाँ हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि यहाँ पर टॉमी कितना जो है वो डैश बनता, आगे पता चलेगा, ठीक है भाई। तो ये मेंशन जो है ये इसकी हो गई, अब ये पूरा जो मेंशन है ये अब टॉमी का हो गया, प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। अब क्या करेगा वो, डियाज की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सबको आहिस्ता आहिस्ता एक्वायर करेगा और भी दूसरों में काम भी करेगा, ताकि एक टाइम ऐसा है कि सिर्फ वाइस सिटी में एक ही नाम हो टॉमी। तो भाई आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टॉमी के और वार देखने के लिए इसको लाइक करें, वीडियो में बहुत सारे लाइक चाहिए आपके भाई को, सब्सक्राइब भी चाहिए, ठीक है भाई। मिलेंगे आपसे टॉमी के किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चलो शाबा कट ऑफ।